चलिए देखिए भाई, बात ना करिए। इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट पढ़ाने जा रहे हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है वो इलेप्टिकली और सर्कुलरली पोलराइज मिलती है, उसके लिए टॉपिक है। उसमें कुंडी लगा दें, यस लगा दें, बोर्ड चमकने लगता है उससे। इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यही एक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग में मैथमेटिकल है। बाकी सब तो थियोरेटिकल है, तो उनमें मार्किंग आपको बहुत अच्छी तो नहीं मिल पाती। ठीक है, आप मतलब ये मान के चलिए कि टीचर 8 में 8 नहीं दे सकता। ये एक ऐसा क्वेश्चन है आ जाए तो 8 में 8 मार्क्स इस पोलराइज। बस बेटा बात ना करो, ये आपका इम्पॉर्टेंट भी और फुल मार्किंग। और दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट है फ्रेसनल थ्योरी वाला, जिसमें आपको 8 में 8 मिल सकते हैं। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, शॉर्ट के क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इनमें भी फुल मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, थ्योरिकल जब टॉपिक आ जाते हैं तो टीचर मार्क्स काट लेता है, तो ये मैथमेटिकल भी है। इसमें पहले थोड़ी थ्योरी है फिर मैथमेटिकल। देखिए, दो निकॉल प्रिज्म लिए, एक निकॉल प्रिज्म N1 है और इस पर आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, आपको मिली प्लेन पोलराइज लाइट, ई रेज मिल गई। दूसरी ओ रेज इस कनाडा ब्लॉसम लेयर से डेविएट कर जाते हैं। ये कनाडा ब्लॉसम लेयर से जो ओ रेज होती है वो डेविएट कर जाती है, ई रेज पास कर जाती है। तो ये अभी हम बता रहे थे आपको कि लास्ट टर्न पे भी हमने बताया था, लर्न कर लीजिए कि ये निकॉल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। इसके ये जो कनाडा ब्लॉसम लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। ठीक है, 1.55 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कैल्साइट क्रिस्टल का ओ रेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आपने पढ़ा 1.658 है, और ई रेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 है। ठीक है, तो जब निकॉल प्रिज्म में इंटर करती, यही वर्किंग है निकॉल प्रिज्म की, आपको रिवाइज भी कर दे रहे हैं कि निकॉल प्रिज्म में रेज आई तो जैसे ही निकॉल प्रिज्म किससे बना, कैल्साइट क्रिस्टल से, तो तुरंत वो ई रेज और ओ रेज में बट गई, ये दो रेज हो गई, एक ई रेज और एक ओ रेज। ई रेज जो है वो कनाडा ब्लॉसम लेयर को पार कर जाती है, और ओ रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण डेविएट कर जाती हैं।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अब ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर जाती हैं। तो आपने अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट करी, प्लेन पोलराइज ई रेज निकॉल प्रिज्म देता है। तो आपने अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट करी तो ई रेज क्या होता है, जैसे ही आप कैल्साइट क्रिस्टल में रेज इंटर करती हैं तो वो दो रे में बट जाती हैं, ई रेज ओ रेज। और कितना भी आप प्योर कर लें, बिल्कुल प्योर कभी हो नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपको बता दें, एक जनरल अलग टॉपिक है, जैसे कोई फर्म है कानपुर, कानपुर जो है सबसे ज़्यादा, आप बाहर जाइए तो लोग आपसे पूछेंगे, जैसे आप उज्जैन जाइए, ठीक है, महाकाल दर्शन करने जाइए, बालाजी जाइए, तो कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि कानपुर से आए, वहाँ का लेदर बड़ा मशहूर है। कोई रिलेटिव होगा तो आपसे कहेगा कि लेदर के लिए ये हमारा ले आना, ठीक है। तो लेदर के क्यों मशहूर है, क्योंकि यहाँ से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बड़े VIP चीज़ें बन के जाती हैं, ठीक है, जो हम लोग खरीद नहीं सकते तो हम लोग को वो लोग नहीं बेचते। अब तो बिग बिग बाजार में मार्केट हो गया तो भले मिल जाए, पर एक ज़माने में यहाँ के लोग भाई इतना, कौन उनका जूता वहाँ पे जाके पता चला डॉलर में कन्वर्ट होके वो यहाँ के एयर कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग 10,000 का है, तो लेदर सूज कौन 10,000 का लेगा, वहाँ आसानी से बिकेगा। तो वो उसको जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता, कई इंजीनियर जो बाहर भेज रहे हैं उसमें कई इंजीनियर लगाते हैं। एक इंजीनियर लगाया, उसने चेक किया कि उसमें कोई कमी नहीं, डिफेक्ट, पता चला 3-4 बार उसकी चेकिंग होती है। एक बार चेक हुआ, काफ़ी डिफेक्टिव पीस बाहर कर दिया, अलग कर दिए, कह दिया कानपुर में भेज देना। फिर दोबारा चेक किया, फिर कुछ डिफेक्टिव। तो जो कोशिश उनकी ये रहती है कि कोई भी डिफेक्टिव पीस बाहर ना जाए, ठीक है, क्योंकि वो जब रिटर्न आएगा तो बहुत नुकसान होगा, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो जाए चले ही जाते होंगे, ह्यूमन एरर है। वैसे ही प्लेन पोलराइज ई रे चाहे जितने निकॉल प्रिज्म से पास करा लो, बिल्कुल प्योर किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट करी, ई रेस पास कर जाती, ओ रेस डेविएट कर जाती है। इसकी वर्किंग भी हम थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताए थे, लर्न भी कराया था कि निकॉल प्रिज्म सिर्फ कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है, क्वार्ट्ज से नहीं, क्वार्ट्ज से बनता ही नहीं। निकॉल प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट। अगर तुमने गलती से क्वार्ट्ज लिख दिया तो टीचर फिर नंबर कट गए आपका। जैसे कई डिवाइसेज हैं कैल्साइट और क्वार्ट्ज दोनों से बनती हैं, पर निकॉल प्रिज्म सिर्फ कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है। अब आपने अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट करी, प्लेन पोलराइज ई रेज मिल जाती है, ओ रेज डेविएट हो जाती है। उसका कारण क्या है, वर्किंग सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई रेज जो होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.486, कैनेडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55। तो ई रेज जब मूव करती है तो वो किससे जा रही है, रेयर टू डेंसर। ई रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.486 और कैनेडा ब्लॉसम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। तो जब कम से ज्यादा, भले जरा सा कम अंतर है पर अंतर है ना, तो वो जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा में जाती है तो हल्का सा डेविएट करके मूव कर जाएगी, हल्का सा डेविएशन होगा और ई रेज ना के बराबर बिछे। नॉर्मली इंसिडेंस करते तो वो कोई फर्क पड़ता नहीं, ई रेज पास कर जाती। ओ रेज जब जाती है तो ओ रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.658 और कैनेडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। तो ओ रेज डेंसर से रेयर जा रही है, ओ रेज डेंसर से रेयर जा रही है और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल 68 से भी ज्यादा बन जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो डेविएट कर जाती है। सामने देखिए कि ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.486, कैनेडा ब्लॉसम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.55। तो वो किससे गई, रेयर टू डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम। तो रेयर टू डेंसर तो हल्का सा विचलित होकर, और वैसे भी नॉर्मली तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, वो पार कर जाती, हल्का सा डेविएशन होता है।
जब ओरेज इंसिडेंट होती है कैनेडा ब्लासम लेयर पर, तो ओरेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658, तो ओरेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा किससे, ई रेज से। ओरेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, सॉरी, कैनेडा ब्लासम लेयर से ज्यादा है, गलत बोल गए, ओरेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे, कैनेडा ब्लासम से ज्यादा है, तो डेंसर से रेयर जा रही है, और एंगल डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर, और ओरेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, जो इस क्रिटिकल एंगल यहां बनता है 68, तो 69 कुछ जरूर ज्यादा बनेगा, तो ओरेज यहां पर कैनेडा ब्लासम लेयर से डेविएट, यही वर्किंग में लिखते हैं हम, ठीक है, यही है वर्किंग। आप देखोगे बुक में 2 पेज लिखा हुआ है या 1.5 पेज लिखा है, उसका मीन्स यही है इतना, ठीक है। अब आपको ई रेज मिली, अब ई रेज जरा खोल देना बेटा, ई रेज फिर निकाल प्रिंसिपल इंसिडेंट कर, फिर निकॉल पिन पर इंसिडेंट कर दी और ई रेस पार कर गए। ई रेस पार कर गई, फिर दोबारा में भी कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, ओ रेस पे डेविएट कर गई, ओ रेस पे डेविएट कर गई। अब आगे क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट ले ली जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है। अब हमें फिर से ई रेज और ओ रेज मिल जाती है, एक स्मॉल पाथ डिफरेंस के साथ, ये ई रेज है और ये ओ रेज, ठीक है। इसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है, पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। क्लास चल रही है क्या मैथ की? अच्छा, रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक, ये ठीक है। ये जिन बच्चे तुम लोगों का निकॉल पिन में पढ़ाना है ना, तो तुम लोगों को तो फ्राइडे को बुला लेंगे, ठीक है, पर बाकी लोगों की छुट्टी कर दे रहे हैं, मतलब आज के बाद जो, क्योंकि इनका निकॉल पिन हमने ऐप पे डाउनलोड कर लिया, तुम लोग पढ़ ही चुके थे, ठीक है, और एक डबल इमेज प्रिज्म है, वो भी तुम लोग पढ़ चुके हो, तो हमें ऐप पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक इन लोगों को पढ़ा देंगे, सभी लोग पढ़े, तुम लोग पढ़े हो डबल इमेज प्रिज्म, ठीक है, जो लोग जाने वाले तुरंत चले जाए, हाँ हम फ्राइडे को हम पढ़ाएंगे। आलोक लॉक कर दो और इधर बैठ जाओ जल्दी से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो देखिए व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, जल्दी से लिखिए, अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द निकॉल प्रिज्म N1, इंसिडेंट ऑन द निकॉल प्रिज्म, बेटा जल्दी लिखो, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द निकॉल प्रिज्म N1, देन प्लेन पोलराइज ई रेज इज ऑब्टेन्ड, then plane polarized E rays
इज ऑब्टेंड, प्लेन पोलराइज ई रेज इज ऑब्टेंड, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द निकॉल प्रिज्म एन वन, जब प्लेन पोलराइज ई रेज इंसिडेंट करते हैं प्लेन, व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन निकॉल प्रिज्म एन वन, देन प्लेन पोलराइज ई रेज इज ऑब्टेंड। इसे हम फिर से इंसिडेंट कर देते हैं, दिस प्लेन पोलराइज्ड, दिस प्लेन पोलराइज्ड ई रेज इज अगेन इंसिडेंट ऑन निकॉल प्रिज्म एन टू, प्रिज्म एन टू। पहला निकॉल प्रिज्म एनालाइज पोलराइजर है, दूसरा वाला एनालाइजर है, एन टू, ठीक है। अगेन इंसिडेंट ऑन निकॉल प्रिज्म एन टू, देन ई रेज इज ऑब्टेंड, इज ऑब्टेंड, ई रेज प्राप्त हो जाती है। इस ई रेज को डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट पी, जो कैल्साइट और क्वार्ट्स किसी से भी बनी हो सकती है, तभी हम नाम में कैल्साइट और क्वार्ट्स नहीं लिख रहे हैं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। दिस प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड ई रेज, दिस प्लेन पोलराइज ई रेज, ई रेज इज इंसिडेंट, इज अगेन इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन द प्लेट पी, ऑन द प्लेट पी, इंसिडेंट ऑन द प्लेट पी, प्लेट पी हूज प्लेट पी, incident on the plate P formed by, formed by, formed by doubly refracting crystal, refracting crystal, crystal जो बनी हुई है किससे, doubly refracting crystal, formed by doubly refracting crystal, this plane polarized e rays is again incident on the plate p formed by doubly refracting crystal, jo bani hui hai doubly refracting crystal par, and its refracting faces, refracting faces are, and its refracting faces are कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, टू द ऑप्टिक एक्सिस, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है, मतलब इसके रिफ्रैक्टिंग फेस लिख दिया है, रिफ्रैक्टिंग फेसेस कट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो अब आपको दोनों प्रकार की रेज मिलती है, देन प्लेन पोलराइज्ड ई रेज एंड ओ रेज आर अगेन ऑब्टेंड विथ स्मॉल पाथ डिफरेंस, विथ ए स्मॉल पाथ डिफरेंस। ये जो ई रेज हैं और ओ रेज हैं, ये इलेप्टिकली और सर्कुलरली पोलराइज लाइट रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग, फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दीज दीज ई रेज एंड ओ रेज, ओ रेज, ओ रेज रिप्रेजेंट
एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, लाइट विच डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, जो कि डिपेंड करेगा उनके बीच के पाथ डिफरेंस पर। जैसा पाथ डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग इलेप्टिकली और सर्कुलरली पोलराइज लाइट आएगी, उसी के अकॉर्डिंग इलेप्टिकली और सर्कुलरली पोलराइज लाइट आएंगी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए आप कंफ्यूज ना होइए, ये टीचर कह रहे थे ना कि जो लोग पीपीएन पीएन में पढ़ते हैं कि हो सकता है, तो हो सकता वाली बात नहीं है, हम लोग अपना पहले से प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। अब वो तुम्हारा बैड लक हो तो फिर हमें भी तुम्हारा बैड लक, तो हमको भी बैड लक हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये है कि सेकंड पेपर को ही ऑब्जेक्टिव बना रहे, इसका एफर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फ़ायदा है। अगर सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो जैसे बीएससी पार्ट वन में थर्मोडायनमिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है तो आसान होता है, इतने फार्मूले हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थ्योरी से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो वही है यहाँ पर, अगर जैसे फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाए तो ऑब्जेक्टिव टफ होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल से आएगा और इतनी फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है, कैसी फ्रिंजेस बनेंगे बताओ ज़रा, तो अब दिमाग में आ जाए तो बता देना, फैब्री प्रॉट इंटरफेरोमीटर में कैसी फ्रिंजेस बनेंगी, कैसी बनेंगी, सर्कुलर बनेंगी कि स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है। तो ये सही ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना, तो वो थोड़ा टिपिकल होगा। और सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स की है, तो पूरा खूब सारा फार्मूला है, वही बायो सावर्ट लॉ का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसे, ये सब ऑब्जेक्टिव खूब सारे बन जाते हैं। फिर उसमें फर्स्ट यूनिट ये हुई, सेकंड यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है, वो भी खूब सारे फार्मूले, थर्ड यूनिट पोलर नॉन पोलर और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की है, मतलब उसमें आपके कितने भी कम फार्मूले देगा तब भी 50-55 तो फार्मूले आराम से आ जाते हैं, तो सब फार्मूले बेस्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपने अगर फार्मूले याद कर लिए तो आपके 25-30 नंबर तो कहीं गए नहीं है उसमें, वो आसान रहता है। तो इसीलिए वही पेपर आपका कोशिश करेंगे, कन्विनर को बोल देंगे, सब्जेक्ट कन्विनर को भी वही कंटिन्यू कर दो, पिछले बार भी हमने कह दिया था तो उन्होंने वही कंटिन्यू कर दिया था, वैसे पिछले बार ही चेंज होना चाहिए था, हर 2-2 साल में चेंज, और इस बार चेंज होने के और कम चांस है, क्योंकि तुम्हारा पेपर बना रखा है, जो बच गया है वही रख लेगी यूनिवर्सिटी, क्यों दोबारा बनवाएगी, तो वो पेपर जो पिछले साल वाला है वो रखा हुआ है, वही तुम्हारा वापस करा लिया यूनिवर्सिटी ने, रख दिया, उसको रद्दी क्यों करेगी, वही तुम्हें दे देगी। अरे तो स्टीकर लग जाता है, स्टीकर लग जाता है, वो चेंज नहीं किया जाएगा, अरे वो सब हो जाएगा, मोहर चेंज हो जाएगी। देखिए जो अभी पेपर हुए थे ना, तो उनमें वही पेपर रख दे दिए गए, नए पेपर नहीं छपे थे, उनमें भी तो डेट पिछली पड़ी थी, वो सब वो, क्यों बेफालतू बर्बाद करें। देखिए सर्कुलरली इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए N1 पोलराइजर है, तुम लोग बाद में आए थे, जरा तुम देख लो, N1 पोलराइजर, 2 निकोल प्रिज्म लिए जाते हैं, तो पहला वाला हमेशा पोलराइजर कहलाता है, दूसरा वाला एनालाइजर, तो हमेशा पहला पोलराइजर दूसरा एनालाइजर, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, तो ये कैल्साइड क्रिस्टल से बना होता है,
निकॉल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल से, डबल इमेज प्रिज्म है, कैल्साइट और क्वार्ट्ज दोनों का बना होता है। डबल इमेज प्रिज्म में वाल्स्टन प्रिज्म, रॉकॉन प्रिज्म आते हैं, वो दोनों कैल्साइट और क्वार्ट्ज दोनों से बने होते हैं, पर निकॉल प्रिज्म सिर्फ कैल्साइट क्रिस्टल। तो आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, तो दो जैसे ही कैल्साइट क्रिस्टल में इंटर करेगी वो दो रेज अपने आप बन जाती हैं, एक ई रेज एक ओ रेज, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज रेज वो क्रिस्टल में इंटर होते ही बन जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज रे और ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज रे जो है वो कैनेडा ब्लॉसम लेयर को पार कर जाती है, बीच में कैनेडा ब्लॉसम लेयर होती है उसको पार कर जाती है, ऑर्डिनरी रे उससे डेविएट कर जाती है। क्यों कर जाती है बता दें कि कैनेडा ब्लॉसम लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है सोडियम लाइट के लिए, और लाइट हम सोडियम ही यूज करते हैं, ठीक है, और ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 है। तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है, बड़ी आसानी से हल्का सा डेविएट होके पार कर जाएगी। पर ओ रेस जो होती है, ओ रेस का कैल्साइट क्रिस्टल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करना है, पिछले टर्न न्यूमेरिकल में भी ये हमने यूज किया था 1.658, वो फिक्स होता है 1.658, और कैनेडा ब्लॉसम लेयर का 1.55, तो वो किस में जा रही, डेंसर से रेयर, ठीक है। और एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, और रे डेविएट कर जाती है और ई रेस पार कर गई, ठीक है। तो आपको निकॉल प्रिज्म से ई रेज मिलेगी, फिर दोबारा एक और निकॉल प्रिज्म वैसी सेम स्थिति में रख दिया, फिर आपकी ओ रेज डेविएट कर जाएगी, ई रेज मिल जाएगी। अब हमने क्या किया, कैल्साइट या क्वार्ट्स कोई भी, कैल्साइट और क्वार्ट्स क्रिस्टल की एक प्लेट ले ली जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल है ऑप्टिक एक्सिस के, तो फिर जब इंटर करती है, क्योंकि बिल्कुल प्योर कोई हो ही नहीं पाती, तो ई रेज और ओ रेज दोनों मिल जाती हैं। अब ई रेज और ओ रेज के पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इलेप्टिकली पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज, और पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग लीनियरली पोलराइज्ड भी बनेगी। इलेप्टिकली पोलराइज लाइट होगी तो जो पाथ बनेगा वो इलेप्टिकल बनेगा, सर्कुलरली पोलराइज होगी तो पाथ बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, और लीनियरली पोलराइज होगी तो पाथ बनेगा स्ट्रेट लाइन का। आप देखिए यही थ्योरी में लिख दिया, यही जो हमने बोला है उसी को लिखिए, आप भी ये आदत बनाइए, तो आपके लिए कभी कोई टॉपिक टिपिकल नहीं, लैंग्वेज ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ेगी। आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, प्लेन पोलराइज ई रेज मिली, वही हमने लिखा व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन निकॉल प्रिज्म एन वन, इंसिडेंट करते हैं When unpolarized light is incident on निकॉल प्रिज्म N1, incident करते हैं निकॉल प्रिज्म N1 पर, then plane polarized E rays is obtained, plane polarized E rays obtained हो जाती है। This plane polarized E rays is again incident on निकॉल प्रिज्म N2, फिर से incident कर देते हैं निकॉल प्रिज्म N2 पर, then E rays is obtained, E rays मिल गई। ये क्या है, E rays, दो बार से हमने क्या किया, E rays प्राप्त कर ली। अब ये This plane polarized E rays is again incident on the plate P. फिर से incident कर रहे हैं plate P पर, formed by doubly refracting crystal जो बनी हुई है, form किससे, doubly refracting crystal से, and its refracting faces are cut parallel to the optic axis, और इसके refracting faces optic axis के parallel में है। Then plane polarized E rays and O rays are again obtained. Plane polarized E rays and O rays are again obtained with a small path difference. इसके बाद फिर से हमें E rays और O rays फिर से मिल जाती है एक small path difference के साथ। These E rays and O rays represent elliptically and circularly polarized light. ये जो E rays हैं O rays हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगे, elliptically polarized light और सर्कुलरली पोलराइज लाइट, जो कि डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा उसके, ठीक है। यस, समझ गए स्वराज, तुम लोग बताओ कहीं किसी को दिक्कत हो, तुम लोग को आ गया, गर्ल्स में बताओ आ गया समझ,
कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से जो लाइट रेज निकली उसका एम्पलीट्यूड हमने ए मान लिया, एक साथ वो तो हम दिखा रहे हैं बीम के फॉर्म में, उसका एम्पलीट्यूड हमने ए मान लिया। अब मैथमेटिकल एनालिसिस पर आ जा रहे हैं, ए एम्पलीट्यूड मान लिया, और इसके ये क्या है, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन और ऑप्टिक एक्सिस के साथ एंगल। तो ये देखिए, हम मैथमेटिकल एनालिसिस है, बीएससी पार्ट वन में लिसाजूस फिगर पढ़ाया था ना, वैसी पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस तुमने पढ़ा था, लिसाजूस फिगर पार्ट वन में फर्स्ट पेपर में है। मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये देखिए, लाइट रेज का एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, ये एंगल, ऑप्टिक एक्सिस इसके अलावा ए का कंपोनेंट, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है या प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये कम, तो ए कॉस थीटा ये ऑप्टिक है और ए साइन थीटा ये हो गई, इसके अलोंग ओ रेस जाएगी, इसके अलोंग ई रेस जाएगी, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर ई रेस के होते हैं और ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ओ रेस के होते हैं। तो अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ई रेज, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ई रेज, एक्स बराबर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा हमने फेज डिफरेंस मान लिया है, इनके बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा, एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा आपका फेज डिफरेंस है। बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इक्वेशन फॉर ओ रेज, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ओ रेज, y बराबर, वो y पर है ना, y बराबर a साइन थीटा साइन ओमेगा टी, a साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अब हमने मान लिया, लेट ए कॉस थीटा को स्मॉल ए, ए साइन थीटा को स्मॉल बी मान लिया। ए कॉस थीटा को स्मॉल ए रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे, ए साइन थीटा को स्मॉल बी मान लिया, तो ये इक्वेशन हो गई वाई बराबर ए साइन थीटा की जगह बी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मान
वाई अपॉन बी, 4 हो गया। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का मान ले आए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। अब यहां पर कॉस साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको, ये कॉस ओमेगा टी हो गई, ये साइन ओमेगा टी हो। अब इक्वेशन ये आप लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स बराबर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो एक्स बराबर ए साइन ए कॉस थीटा की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दें, इसी के अकॉर्डिंग हमने किया था, एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, तो एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा, इसकी वैल्यू 1 माइनस अपॉन बी स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 साइन डेल्टा। ठीक है, इसको आप इधर ले जाइए, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा, ये अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा, ये आपका। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड्स पे, तो आप याद रखिएगा अंडर रूट वाला ना ले जाइए, नहीं मैथमेटिक्स टफ हो जाएगी, तो आप विदाउट अंडर रूट वाला ले जाए, तो स्क्वायर करेंगे वो हट जाएगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए, लाइट है इसका एम्पलीट्यूड ए, एंगल हमारा ऑप्टिक एक्सिस के साथ और प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन का एंगल क्या है, थीटा। तो एम्पलीट्यूड एक जनरल बीम है, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बीम के फॉर्म में चल रही है एम्पलीट्यूड ए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, इसके अलोंग ऑप्टिक एक्सिस है, इसके अलोंग ई रे, इसके अलोंग परपेंडिकुलर है तो वो ओ रे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ई रेज, एक्स बराबर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा फेज डिफरेंस है ई रेज और ओ रेज, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर ओ रेज वाई बराबर ए साइन थीटा साइन ओमेगा, ए कॉस थीटा को स्मॉल ए साइन थीटा को स्मॉल बी रख दिया जाए तो वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का मान वाई अपॉन बी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर,
कॉस ओमेगा टी बराबर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, ये हम रख देंगे। अब एक्स बराबर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को खोलिए, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, साइन ओमेगा टी का मान वाई अपॉन बी, कॉस ओमेगा टी का मान वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू, इसको आप उधर ले गए, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करिए स्क्वायर, स्क्वायर करिए, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट हटाइए, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इसको आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साथ में कर ले, कॉस स्क्वायर डेल्टा एक साथ कर लिया, टू एक्स वाई अपॉन ए बी साइन स्क्वायर डेल्टा, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस डेल्टा बराबर, ये इक्वेशन एट, ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई एलिप्स की, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, दिस इज द जनरल इक्वेशन। हेलो, हाँ बोलो, हम अखंड सर बोल रहे, हाँ हाँ बताओ, हाँ हाँ बताइए, तो वो व्हाट्सएप नहीं, वो ऐसा करिए कि कॉलेज आज बच्चे भेज दीजिए तो निशान लगवा देंगे, सही है गलत है जो भी है ना, तो कॉलेज भेज दीजिए आप, ठीक है, आज 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 के बाद हो सकता कॉलेज छुट्टी हो जाए, आप नहीं समझ रहे हो, जो क्लर्क देखते रहते हैं ना तो उनको आइडिया रहता है अभी हमने कोई मिस्टेक कर, जो क्लर्क देखते हैं ना ये सब काम, हाँ तो ये हम लोग क्लर्क नहीं है ना कॉलेज में, तो हम लोग ये सब नहीं देखते हैं, तो वो उसी को उसको देखने दीजिए, तो कोई गलती हो गई पता चला आपको आएगी नहीं, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ये एलिप्स की जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है ऑफ एन एलिप्स। अब देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ए बी के बराबर नहीं है और डेल्टा की वैल्यू जीरो है, इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी डेल्टा बराबर है जीरो, ए बी के बराबर नहीं है और डेल्टा की वैल्यू है जीरो,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस जीरो, साइन स्क्वायर जीरो। लोग पुलिस में हो जाते हैं तो ये लगता है कि पुलिस से लोग डर रहे हैं। वो जब भी अपना परिचय देती है, स्टूडेंट ही है मेरी, तो वो ये नहीं बताती है कि हम विजयनगर में रहते हैं सर, वो हमें बताती है स्वरूप नगर थाने से बोल रहे हैं। वो थर्ड ईयर कर रही थी, उसका सिलेक्शन हो गया तो वहीं पे स्वरूप नगर थाने में है। हमको याद है कि विजयनगर में थी तो हरसाए से ही पढ़ी हुई, पर वो कभी नहीं बताती कि हम विजयनगर से या ये बोल रहे, वो पहले बताती हम स्वरूप नगर थाने से बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, टू एक्स वाई अपॉन ए बी बराबर जी। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू वन, साइन जीरो की, तो ये आ गई आपकी x अपॉन ए y अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन ए, तो x अपॉन ए बराबर y बराबर b अपॉन ए इंटू एक्स। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली, तो वैसे ही एम एक्स आ गया तो भी चल जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट द लीनियरली पोलराइज लाइट, लीनियरली पोलराइज लाइट। ये लीनियरली पोलराइज लाइट प्रदर्शित करेगी। देखिए, तो प्रखर तुमने नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया है, तुम लोग आलसी होते जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये रफ कॉपी लिख गया ना? बस यही तो हम पूछ रहे, लिखा है तो क्या लिखा? स्ट्रेट लाइन वो ले आया करो, कुछ चीज गड़बड़ हो तो चेक कर लो। डेल्टा बराबर जीरो और ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो ये है आपकी ए, ये है बी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये आ गया, समझ लिया ना? अब देखिए दूसरा केस, अगर ए बी के बराबर नहीं है और डेल्टा की वैल्यू है पाई बाई टू, केस सेकंड, इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी और डेल्टा की वैल्यू पाई बाई टू, एलिप्स बनेगा। तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस पाई वाई टू साइन स्क्वायर पाई वाई टू। ये जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर। ये स्टेट, ये एलिप्स की इक्वेशन, ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, और जो क्या देगा, इलेप्टिकली पोलराइज लाइट देगा, ठीक है। दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट जो कि रिप्रेजेंट करेगा इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। केस थर्ड, ये फिगर बना दे, ए बी डेल्टा की वैल्यू पाई बाई टू, एलिप्स, एलिप्स, ठीक है। केस थर्ड देखिए, डेल्टा पाई बाई टू और ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर दे रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टू एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर, कॉस पाई वाई टू, साइन स्क्वायर पाई वाई रख दिया हमने, ठीक है, जनरल इक्वेशन में। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है सर्किट की, ये इक्वेशन किसकी है, सर्किट की, जो देगी सर्कुलरली पोलराइज लाइट। This is the equation of circuit which represent circularly polarized light जो कि represent करेगी circularly, सर्किल बना लीजिए, ठीक है, जो कि सर्कुलरली पोलराइज देगा, ये देखिए सर, डेल्टा की वैल्यू पाई बाई टू, ए इज इक्वल टू बी, ये बनी सर, ये बच्चों हो गए, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये इसमें फायदा है, ठीक है, बाकी में फुल मार्क्स नहीं मिलते। ये कल हम, मतलब कल का मतलब फ्राइडे, तो जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने, जो यहीं लोकल रहें बाहर के ना हो,
तो फ्राइडे को निकाल प्रिज्म पढ़ सकते हैं, मैप पे भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, डबल इमेज प्रिज्म पढ़ा देंगे। तो वेनसडे को क्लास अब अगली लगेगी, आज के बाद बाहर वालों के लिए छुट्टी है, वेनसडे को क्लास अगली लगेगी, फिर फ्रेशनल थ्योरी से शुरू करेंगे, तो उनका आगे से शुरू हो जाएगा।